हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे कंपटीशन तैयारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान पटवारी की भर्ती के फाइनली ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, तो मैं आज इस वीडियो में राजस्थान पटवारी का फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको फॉर्म ऐसे ही भरना है, कोई भी गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। राजस्थान पटवारी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये, और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में रखना है कि अपनी सभी डिटेल जो फॉर्म में मांगते हैं उसे सही भरना है। फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे राजस्थान पटवारी की SSO rajasthan.gov इस पे आपको इस वेबसाइट पे आपको गूगल पे जाना होगा। वहाँ से आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है SSO.rajasthan.gov.in, यहाँ पे आपको क्या करना है, जिनका नया फॉर्म भरना है, SSO ID नहीं बनी है, उनको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके ये आपका राजस्थान, इसमें 5 ऑप्शन आए हैं लॉगिन करने के लिए, सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट अप्लाई, जन आधार कार्ड और भामाशाह आधार, फेसबुक और गूगल अकाउंट। आपके पास जो भी इसमें अवेलेबल हो आप वहाँ से क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। गूगल अकाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ से अकाउंट ले लेगा, कौन सा अकाउंट लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पे अकाउंट ले लेगा, अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आपको SSO ID बनानी है, SSO ID अकाउंट पे बना दी गई है, और SSO ID बनाने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना, वापस इस पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पे ईमेल ID मांगेंगे, यो इसमें नहीं बता रहा है क्योंकि ये इस पर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको ईमेल ID और पासवर्ड लगाना है, फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा भामाशाह और ये एप्लीकेशन, इसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। हम इस पे क्लिक करते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। तो प्लीज़ वेट वाइल यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड, ये आपका आ गया माई एप्लीकेशन नोटिफिकेशन और ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आपके दिए गए हैं स्कूल लेक्चरर, संस्कृत एजुकेशन, RPC, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन्वेस्टिगेटर, और इसके बाद यहाँ पे और व्यू में देखते हैं, इसके नीचे दिया गया है आपका राजस्थान पटवारी 2019 ये, और एंड डेट है 18 फरवरी 2020। इस पे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर और प्रिफ्रेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका बेसिक डिटेल भरा जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आवेदक का नाम लिख दिया महिपाल, पिता का नाम लिखना है, उसके बाद माता का नाम, उसके बाद इनकी जन्म डेट, मेल है या फीमेल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है मेल या फीमेल, मेल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आयु हो गई, आप किस कैटेगरी में हो, आपको कैटेगरी चूज करना है, तो OBC कैटेगरी है, इसको OBC कैटेगरी चूज कर देते हैं। फिर इसके बाद आप दिव्यांग श्रेणी नॉट एप्लीकेबल, विशेष दिव्यांग श्रेणी उसके लिए नॉट स्टेबल, और धर्म इस पे आपको करना है, धर्म कौन सा है, तो यहाँ पे हिंदू कर देते हैं। उसके बाद वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, विडोवर, तो यहाँ पे सिंगल कर देना है। जिनके सिंगल हैं, जीवन साथी है, जिनके शादी हो चुकी है, उनका जीवन साथी का नाम लिखना है, और जिनके बच्चे हैं उनको यहाँ पे दहेज का कॉपी जो है उसका यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गए, फिर आपका अल्टरनेट ईमेल ID, ये तो ऑटोमेटिक अपने SSO प्रोफाइल से ले लेंगे। उसके बाद अप्लाइंग फॉर आवेदन, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति से है तो आपको यहाँ पे यस या नो करना है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, ये जाटों का बास, विलेज पोस्ट और तहसील डालना है। फिर इसके बाद स्टेट चुनना, आपको
जिला कौन सा, ये जिला चुनना है, उसके बाद गांव चुनना है, और यहाँ पे पिन कोड डालना है और फ़ोन नंबर आपका डालना है। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे सेम एज द एबो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टिक लगा देना है, जिससे आपका ये दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। तो इसको वापस एक बार चेक कर लेना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपको यहाँ पे अगला दिया हुआ है नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये अगला प्रोसेस जो है पर्सनल डिटेल है, ये आपका ओपन हो चुका है। इसमें आपको क्या डालना है, राष्ट्रीयता इंडियन, इंडियन, भूटान, नेपाल इंडियन डाल देना है। उसके बाद आपका गृह राज्य कौन सा है ये डालना है, इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद गृह ब्लॉक कौन सा है वो डालना है, उसके बाद तहसील कौन सा है वो डालना है, और उसके बाद विलेज कौन सा है ये डालना है। और इसमें ऑप्शन है कि अगर आप किसी दूसरे देश से हो तो आपको यहाँ पे यस डालना है, और किस देश से हो तो आपको यहाँ से यह करना है, नहीं तो आपको नो करना है। और उसके बाद दिया हुआ क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यस और नो में डालना है, नो कर देते हैं यहाँ पे नो। उसके बाद क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, तो यहाँ पे डाल देते हैं यस या नो, नो डाल देते हैं। एनसीसी है आपके पास तो यस डालो, नहीं तो नो। उसके बाद क्या भूतपूर्व कैदी हैं, नो। और इसके बाद आपका क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी है, इसको भी नो कर देते हैं। और क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, तो इसको आपको यस करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तो अगला नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अगला इसमें तीसरा स्टेप आ जाएगा, दो स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला स्टेप है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये इन केस यानी यहाँ पे ये एंट्रिंग क्वालिफिकेशन डाटा दिया हुआ है, इस पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है, यहाँ पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंडरी इक्विवेलेंट, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आपका कंप्यूटर का कोर्स है वो चारों इसमें डालना है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप भर रहे हैं, और इसमें भरा हुआ है क्योंकि पहले से भर के रखा है, क्योंकि मैंने भर दिया अभी। तो इसमें ऑल सब्जेक्ट विषय में यहाँ पे लिखना है ऑल सब्जेक्ट, और यहाँ पे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कहाँ किए तो RBSC अजमेर लिख दिया। फिर यहाँ पे रोल नंबर, परिणाम किस में परसेंटेज में है या किस में है, उसमें आपको रखना है परसेंटेज है या CGPA है या ग्रेड है, तो परसेंटेज पे क्लिक किया। सन कौन सा है, उत्तीर्ण होने का सन है वो लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स, आर्ट्स स्ट्रीम, RBSC अजमेर, ये आपका रोल नंबर हो गया, परसेंटेज, और 2010 और 81.85 ये आपका परसेंटेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन डालना है किस से किया हो, अगर आपने BSc किया हो तो यहाँ पे आर्ट्स है, साइंस स्ट्रीम है, कौन सा स्ट्रीम से किया है वो डालना है, कहाँ से किया है यूनिवर्सिटी वो डालना है। यहाँ पे डाल दिया MDSU अजमेर, यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद कौन से सन में किया है, और यहाँ पे आपका परसेंटेज डालना है। उसके बाद आपका ये कंप्यूटर कोर्स, इसमें आपके लिखा हुआ है 3 ईयर्स डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, जिनके भी डिप्लोमा में कंप्यूटर किया हो वो यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ कंप्यूटर के, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर COPA DPCS कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे आपको करना भरना है। उसके बाद कंप्यूटर में आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग किया है तो यहाँ पे आपको भरना है। अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया है तो यह आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका हाईगर लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद RSET की हुई है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से, तो इस पर क्लिक करना है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये कर दिया, उसमें RSET कंप्यूटर लिख दें। उसके बाद VMU कोटा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, और इसमें आपको रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है कैसे लिखना है बता देता हूँ। तो आपके पास जो RSET मार्कशीट है उसके कोने में लिखा है, राइट साइड कोने में जो सन लिखा है 2011, उसके बाद ऐसे ऑब्लिक करके यहाँ पे उनका रोल नंबर लिखा है वो यहाँ पे लिखना है।
आपको रोल नंबर वहाँ पे नहीं लिखा है कि रोल नंबर ये है, आपको कोने में लिखा वही लिखना है, परसेंटेज लिखना है, सन लिखना है, और यहाँ पे ये कितने परसेंटेज बने हैं वो लिखना है। इसके बाद आपको बहिष्कृत करने का विवरण अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नो करें। इसके बाद हम अगला स्टेप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना, अगला स्टेप आ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अपना चौथा स्टेप आ जाएगा। तीन स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आपका पांचवा स्टेप आ गया, आइडेंटिफिकेशन और मार्क्स। और इसमें आपका यहाँ पे फ़ोटो डालना है, मिनिमम साइज 50 KB और 100 KB के बीच में। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर डालना है, ये यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर इन हिंदी और यहाँ पे सिग्नेचर इन इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में, और साइन है आपको 20 KB से 50 KB के बीच में डालना है। तो यहाँ पर ये फ़ोटो डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर हिंदी में डाल दिया गया है जो 20 KB से 50 KB के बीच में, और इंग्लिश में यहाँ पे सिग्नेचर डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है बॉडी ऑन मार्क, तो यहाँ पे लिख दिया मॉल ऑन द लिप। इसके बाद आपको अगला नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। फोटो के बाद क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आपका स्टेप आ जाएगा प्रीफ्रेंस। यहाँ पे आपको प्रीफ्रेंस देना है। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है नॉन TSP, फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट मिनिमम 32 एंड मैक्सिमम 32 प्रीफ्रेंस देना है आपको। सबसे पहले कहाँ पे जाना है, फिर कहाँ से, तो जयपुर, जोधपुर कर दिया, फिर अजमेर, अलवर, बीकानेर, बारा, इस प्रकार चित्तौड़गढ़, बूंदी, भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, सिरोही, सीकर, पाली, श्रीनगर, सवाईमाधोपुर, नागौर और करौली, कोटा, धौलपुर, इस प्रकार यहाँ पे दे दिया 22वां। तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ ऊपर से यहाँ करना है आपको। तो यहाँ तक करना है, कौन सा स्टेट कहाँ से करना है, जा कर सकते हैं झालावाड़। अब जो नहीं किया वो करना है, जो कर लिया उसको डबल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे पाली, राजसमंद कर लिया, सवाईमाधोपुर कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे झुंझुनू कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम जालौर कर लेते हैं। इस प्रकार आपको पूरा 32 to 32 भरना है। जो एक बार क्लिक कर लिया वो दोबारा क्लिक नहीं होगा। यहाँ पे लिखा आ जाता है डुप्लीकेट प्रीफ्रेंस आर नॉट अलाउड, तो आपको एक बार ही क्लिक करना है, एक बार ही प्रीफ्रेंस देना है, दो बार नहीं, एक ही सेम जिले का आप दो बार नाम नहीं दे सकते। इस प्रकार यहाँ पे हमने 32 प्रीफ्रेंस आप पूरे दे दिए हैं, यहाँ पे 11 12, इस प्रकार यहाँ पे 32 प्रेफरेंस हमने पूरा दे दिया, लास्ट में बाढ़ में दे दिया। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा गया ये आपका पूर्व अवलोकन पृष्ठ है। आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है, ये केवल तभी जनरेट होगा जब आपके द्वारा शुल्क भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये फार्म है, यहाँ पे नाम आ गया इसका, डिटेल महिपाल चौधरी, आवेदक का नाम, पापा का नेम, माताजी का नाम, लिंग, मेल, उम्मीदवार की आयु, OBC, इस प्रकार जो फॉर्म में भरा था वही है, एक बार अपना चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे पूरा नीचे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है ये आपने जो बोर्ड में आपने जो भरा है अपना क्वालिफिकेशन डिटेल वो है। उसके बाद में यहाँ पे ये आपने जो प्रीफ्रेंस दिया उसका है, अभी तक फीस डिटेल सबमिटेड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नॉट सबमिटेड लिखा आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे ये साइन भी अपडेट हो गए हैं। तो इसके बाद अगर कोई भी अपडेट करना हो तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो हम सीधा यहाँ पे फी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम फीस का पेमेंट करते हैं, पे फी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ इसको क्लिक करना है। हाँ ये बोल रहा है यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे वो टिक नहीं किया गया है, इसको यहाँ पे टिक करना है। घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन पत्र, यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद ही यहाँ पे फी होगा, यहाँ पे आपको अब पे फी करना है। डू यू वांट टू पे फी, क्या आप पे करना चाहते हैं, तो इस पे ओके करना है, ओके करना चाहता है। और इसमें लिखा है कि आपको बैक या बटन और विंडो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं दबाना है। पे फी पे क्लिक करने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पे फी पे क्लिक करने के बाद आपका ये टोटल चार्ज है 250 रुपये हैं। और यहाँ पे आपको और आपके नेक्स्ट पे फीस पे क्लिक करना है।
इस प्रकार आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक से हैं, तो आपको यहाँ से एग्री कटर पे दबाना है। ये एग्री कटर पे दबाने के बाद आपका ये सेलेक्ट बैंक आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे एयर पे पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएंगे, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, वॉलेट हो या अमेजन पे हो, तो इसको यहाँ पे फोन पे हो, तो जो भी आईडी हो, अगर आप डेबिट कार्ड लगाते हैं तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर लगाना है, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, और इसके यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास यूपी हो, कौन सी है, अगर आपके पास भीम यूपी है तो आपको इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे हम यूपी लिख देते हैं, लिखने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट कर देते हैं। तो ये पेमेंट करने की ये गुप्त रखने होगी क्योंकि ये पर्सनल डाटा है, इसलिए आपको इस वीडियो में नहीं बताया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, इस प्रकार आपको वीडियो पूरा पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सभी पटवारी के, राजस्थान पुलिस के नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे।